भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को परमा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आप सभी को अधिक मास पुरुषोत्तम माह के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अधिक मास मल मास पुरुषोत्तम मास द्वितीय श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी पुरुषोत्तमा एकादशी कमला एकादशी तिथि का आरंभ इस बार 11 अगस्त 2023 की सुबह 7:35 पर हो रहा है, जो कि 12 अगस्त 2023 की सुबह 7:58 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त हरिवासर जो शुद्ध एकादशी होगी वो 12 अगस्त 2023 शनिवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को परमा एकादशी का व्रत रखना चाहिए और इस एकादशी व्रत का पारणा 13 अगस्त 2023 रविवार की सुबह 6:13 से लेकर के 8:13 पर करना चाहिए। यह अधिक मास की एकादशी है, इसलिए इस एकादशी का व्रत सभी को रखना चाहिए, क्योंकि अधिक मास पुरुषोत्तम माह में जो भी व्रत किए जाते हैं, दान किए जाते हैं, तप किए जाते हैं या कोई भी पूजा पाठ या अनुष्ठान किए जाते हैं, उसका करोड़ों गुना पुण्य मनुष्य को प्राप्त होता है। और वैसे भी हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्र धेनवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात श्री हरि भगवान विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी माता का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन कराना, गो माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम माह आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के उस साल 26 एकादशी आती है। इस बार अधिक मास पुरुषोत्तम माह के रूप में श्रावण का महीना हमें प्राप्त हुआ है। हम सभी परम सौभाग्यशाली है कि इस बार 19 साल के बाद में पुनः एक बार श्रावण का महीना अधिक मास पुरुषोत्तम माह के रूप में हम सभी को मिला है। इसलिए इस अवसर को हम बिल्कुल न जाने दें और एकादशी का व्रत जरूर रखें, क्योंकि इस बार श्रावण मास में पुरुषोत्तम माह आने से हरिहर मिलन का संयोग निर्मित हो रहा है। हरि का अर्थ होता है भगवान श्री नारायण, जिनका परम प्रिय महीना पुरुषोत्तम मास है, और हर का अर्थ होता है भगवान श्री देवाधिदेव महादेव, जिनका परम प्रिय महीना श्रावण का महीना है। इसलिए इस बार हरिहर मिलन का संयोग अधिक मास में निर्मित हो रहा है। प्रत्येक महीने में वैसे तो 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि एकादशी का जो व्रत है वह भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। जितने भी व्रत होते हैं संसार में, उनमें सबसे बड़ा यदि कोई व्रत है तो वो एकादशी का व्रत है। पद्म पुराण में तो यहां तक लिखा हुआ है कि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, और जब मनुष्य के पाप नष्ट हो जाएंगे तभी उनके पुण्यों का उदय होगा, और जब पुण्य का उदय होगा तभी मनुष्य को सांसारिक तथा भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। तो यदि आप अपने जन्म जन्मांतर के पाप को नष्ट करना चाहते हैं तो आपको एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी का एक ऐसा व्रत है जिसको करने से मनुष्य को निश्चय ही लाभ की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। और एकादशी का व्रत
यदि अधिक मास या पुरुषोत्तम माह में आ रहा है तो उसका अपना एक अलग ही महत्व हो जाएगा। यानी अधिक मास की, पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी का जो कोई भी मनुष्य व्रत रखेगा उसको करोड़ों एकादशी करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। जो भक्तजन माताएं बहने एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। जैसे सबसे पहले दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, शहद नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज मांस मदिरा मसूर की दाल कटहल की सब्जी का उपयोग खाने में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए और दशमी के दिन तन मन से पवित्र होकर के एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे। एकादशी के दिन हर संभव आपको प्रयास करना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान जरूर कर लेवे। ब्रह्म मुहूर्त का जो सर्वोत्तम समय होता है वो सूर्योदय से 2 घंटे पहले पहले का समय माना जाता है। जैसे हम 6 बजे सूर्योदय मानते हैं तो 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आपको स्नान कर ही लेना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप जल्दी स्नान नहीं कर पाते हैं तो 7 बजे के पहले कर ले, और 7 बजे तक भी नहीं कर पाते हैं तो 8 बजे तक तो कम से कम स्नान कर ले, और यदि 8 बजे तक भी नहीं कर पाते हैं तो सुबह 9 बजे के पहले पहले सभी को स्नान जरूर कर लेना चाहिए। क्योंकि 9 बजे तक का जो समय होता है वो देवताओं का समय माना गया है, इसलिए इस समय तक हम सभी को स्नान करके पूजा पाठ से निवृत्त हो ही जाना चाहिए। और प्रातःकालीन पूजा अर्चना करके सबसे पहले एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में एक श्लोक लिखा हुआ है, श्लोक नंबर 34 से। इसमें लिखा हुआ है कि एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम परेहनी भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम मे भवाच्युत। अर्थात हे कमल नयन वासुदेव भगवान, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके व्रत रखूंगा और दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। इस प्रकार मन ही मन आप यदि इस श्लोक का श्रवण करके यह प्रार्थना करेंगे तो निश्चय ही आपका संकल्प माना जाएगा। लेकिन यदि आप हमारे द्वारा बताई गई विधि से संकल्प करते हैं तो अति उत्तम रहेगा। संकल्प करने के लिए सबसे पहले आप एक आसन बिछा लीजिए और आसन पर बैठ करके अपना मुंह पूर्व दिशा की तरफ या अपने देवी देवताओं की तरफ करके या उत्तर दिशा की तरफ अपना मुंह करके आप पूजा की थाली अपने सामने रख लीजिए। उस पूजा की थाली में रोली चंदन और अक्षत के स्थान पर आपको जव अथवा तिल रखना है, तुलसी जी का पत्ता रखना है, पीला पुष्प रखना है, कुछ पैसे इसमें रखना है, एक सुपारी रखना है, शुद्ध घी का दीपक वहां पर प्रज्वलित कर दीजिएगा। ये पुरुषोत्तम माह की एकादशी है, यदि आप शुद्ध घी का दीपक लगाते हैं तो यदि आपके पास में सूखी तुलसी जी की डंडी है तो उसको जला करके आप दीपक को यदि प्रज्वलित करेंगे तो आपको 10 करोड़ दीप दान का पुण्य तुरंत ही प्राप्त हो जाएगा। यानी सूखी तुलसी जी की एक डंडी ले लीजिए और इसको घी में आप भिंजो लीजिए और एक शुद्ध घी का दीपक तैयार कर लीजिए और किसी और जैसे माचिस से लाइटर से जो डंडी आपने शुद्ध घी में भिंगोई है उसको पहले जला लीजिए और उस जली हुई जो तुलसी जी की डंडी है उससे दीपक का प्रज्वलन आपको इस दिन करना चाहिए। ऐसा यदि आप करेंगे तो निश्चित तौर से आपको 10 करोड़ दीप दान का पुण्य तुरंत ही प्राप्त हो जाएगा। और संकल्प धारण करने के लिए हाथ की मुद्रा को इस प्रकार कर लीजिए। हाथ के मध्य भाग में आप सबसे पहले जल रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे, सुपारी रखे, कुछ पैसे रखे, जव तिल रख करके सबसे पहले आप बोलिएगा ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः,
ओम तिथिर विष्णु स्थावरो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च कर्णम विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत ओम विष्णुर विष्णुर विष्णुः श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुर आज्ञयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारह कल्पे वैवस्वत मन्मन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बुद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशैः अवंतिकायां विशालाक्षेत्रैः मध्यप्रदेशैः भोपाल मंडलांतर्गतैः भोपाल नामनि नगरैः आप जिस नगर में जिस राज्य में जिस शहर में जिस देश में निवास करते हैं उसका नाम आपको उच्चारित करना है। वर्षा ऋतौ रविर दक्षिणायने ही मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे अधिक मासे ही श्रावण मासे ही शुभै ही शुक्ल पक्षै ही अध्याय मंदवासरान्वितायां मा मृगशिरा दिवस नक्षत्रै ही मिथुन राशिस्ते श्रीचंद्रै ही मेष राशि स्ते श्री देवराज गुरुः कर्क राशि स्ते श्री सूर्यैः शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितस्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। आप सभी बोलिएगा मम आत्मनः। अब आप अपने नाम और गोत्र का उच्चारण कर लीजिएगा। यदि लड़कियां कुंवारी रहती है तो पिता पक्ष का गोत्र उनको बोलना चाहिए। शादीशुदा महिलाओं को पति पक्ष का गोत्र यानी ससुराल का गोत्र बोलना चाहिए। यदि विधवा महिलाएं हैं तो भी पति पक्ष का गोत्र बोले और यदि परित्यक्ता माताएं बहनें हैं तो वो पिता पक्ष का गोत्र उच्चारित करें। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम दस विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मीश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन चित्त कामना संसिद्ध्यर्थम अद्य दिवसे ही यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम महा अद्य दिवसे ही पुरुषोत्तम मासे कृष्ण पक्षे परमा एकादश्यायां व्रत कर्माहं करिष्ये। यदि आप इस एकादशी का पुण्यफल किसी भी अपने मृतक परिजन यदि पितरों को प्रदान करना चाहते हैं तो उनका नाम और गोत्र भी आपको यहां पर उच्चारित कर लेना चाहिए। इसके बाद संकल्प प्रभु को समर्पित कर दीजिए और हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे दयानिधान हे कृपा निधान आज हम आपकी कृपा से पुरुषोत्तम माह अधिक मास के पुण्य अवसर पर परमा एकादशी का व्रत धारण करने जा रहे हैं। आप हमें पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें कि पूरे विधि विधान एवं नियमों का पालन करते हुए हम इस एकादशी का व्रत कर सकें और यदि हमारे द्वारा जाने में अनजाने में ज्ञात अज्ञात कोई भी त्रुटि हो जाए तो अबोध बालक जान करके हमें क्षमा जरूर प्रदान कर देना क्योंकि आप तो कृपा निधान है आप तो दयालु है। इस प्रकार प्रभु से प्रार्थना करके आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको सबसे पहले अपने गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए। माता पिता को प्रणाम करें और सूर्य भगवान को जल अर्पण करें क्योंकि इसी दिन से पंचरात्र व्रत का आरंभ भी हो जाएगा। तो यदि आप पंचरात्र व्रत का संकल्प धारण करना चाहते हैं तो इसी संकल्प में आपको बोल लेना चाहिए। वैसे तो पंचरात्र का जो व्रत होता है वो निर्जला व्रत होता है इन्हें 5 दिन तक आपको जल भी नहीं पीना है। और दूसरी विधि है पंचरात्र व्रत में आप एक समय फलाहार करके और शाम को भोजन कर सकते हैं। और तीसरी विधि है आप एक समय भोजन करें दिन भर कुछ न खाएं। और इसके बाद जो अगली विधि है वो आप 2 बार भोजन करें और बाकी समय कुछ न खाएं। इस प्रकार जो भी संभव हो जिस विधि से आप पंचरात्र व्रत करना चाहते हैं पंचरात्र व्रत आपको जरूर करना चाहिए क्योंकि पंचरात्र व्रत करने से मनुष्य को पूरे पुरुषोत्तम मास अधिक मास का पुण्य प्राप्त होगा।
इस बार पंचरात्र व्रत का आरंभ 12 अगस्त 2023 शनिवार के दिन से यानी परमा एकादशी से शुरू होकर के 16 अगस्त 2023 अधिक मास की अमावस्या तक रहेगा। पंचरात्र व्रत में सभी को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है और सबसे पहले सूर्य भगवान को जल अर्पण करना है, तारों को अर्घ देना है और भगवान की अधिक मास की सभी कथाओं का श्रवण करना है। तुलसी माता के यहाँ एक दीपक लगाना है, अपने देव स्थान पूजा घर में दीपक लगाना है। दीपक हमेशा शुद्ध घी का या तिल के तेल का ही आपको प्रज्वलित करना चाहिए और किसी भी पवित्र तीर्थ में या जलाशय के समीप जाकर के किनारे पर एक दीप दान करें। यदि आपके आसपास कोई पवित्र तीर्थ या जलाशय नहीं है तो आप अपने घर में जो पानी की पंडेरी होती है, जो जल रखने का स्थान होता है, वहां पर दीप दान कर देंगे तो भी आपको तीर्थ में दीप दान करने का पुण्य प्राप्त होगा। और एक दीपदान मुख्य द्वार के बाहर की तरफ दाहिने यानी सीधे हाथ की तरफ आपको करना चाहिए। शिवालय में दीपदान करें, तुलसी जी के यहां दीपदान करें, गौशाला में गौ माता के निमित्त दीपदान करें और पीपल के पेड़ के पास दीपदान जरूर करें। आंवले के वृक्ष के समीप आपको दीपदान करना चाहिए और खुले मैदान में आकाश दीपदान करने का भी विधान है। दीपदान बिना विधि से या विधि पूर्वक किया जाए दोनों ही परिस्थिति में पुरुषोत्तम मास में मनुष्य को करोड़ों गुना इसका पुण्य प्राप्त होगा। परमा एकादशी के दिन तुलसी जी का पूजन करके दीपदान जरूर करें और गौ माता का पूजन करें। परमा एकादशी के दिन किसी को भी अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध व फल बताए गए हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट, सूखा मेवा, मखाना इत्यादि जो भी फलाहार है, साबूदाना, आलू और अन्य जो भी शुद्ध और सात्विक फलाहार है उसका उपयोग आपको एकादशी व्रत में करना चाहिए। फलाहार में कभी भी हल्दी का उपयोग न करें तथा इस दिन अपने घर में चावल न बनाएं और चावल खाए भी नहीं। कोई भी प्राणी अपने घर में इस दिन चावल बिल्कुल भी न बनाए तथा इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे और लड़ाई झगड़ा तथा वाद विवाद बिल्कुल न करे। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग शेविंग नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना इस दिन वर्जित माना गया है। नाखून नहीं काटना चाहिए और किसी का भी अपमान या अनादर बिल्कुल न करें। अपने पूज्य पुरुष, गुरुजन, माता पिता, सास ससुर या फिर देवी देवताओं की शास्त्रों की बुराई इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए। यदि गलती से आप थोड़ा हल्का विश्राम करते हैं तो उठने के बाद स्नान करके ही आपको शाम की पूजा पाठ करनी चाहिए। रात्रि में जागरण करने का विधान है और प्रातःकालीन वेला में आप भगवान का विशेष पूजन अर्चन इस दिन जरूर करें, क्योंकि यह परमा एकादशी है और परमा एकादशी की कथा जो पद्म पुराण में बताई गई है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसके जन्मों जन्मों की दरिद्रता का नाश हो जाता है। इस एकादशी के विषय में यहां तक बताया है कि कुबेर जी ने इस एकादशी का व्रत करके ही देवताओं के धनाध्यक्ष यानी कोषाध्यक्ष का पद प्राप्त किया था। तो जब कुबेर जैसे सामान्य व्यक्ति परमा एकादशी का व्रत करके देवताओं के कोष के अध्यक्ष बन सकते हैं तो आप पुरुषोत्तम माह की परमा एकादशी का व्रत एवं पूजन जरूर करें। इस दिन प्रातःकालीन वेला में एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछा करके मध्य भाग में भगवान लक्ष्मी नारायण जी की स्थापना करें या ठाकुर जी की, बाल गोपाल जी की, राधा कृष्ण जी की, शालिग्राम जी की, जो भी श्री विष्णु भगवान के श्री विग्रह है उनका इस दिन पूजन अर्चन जरूर करें और यदि संभव हो तो गेहूं रख करके तांबे या मिट्टी या चांदी का कलश रख करके उसके ऊपर नारियल यानी श्रीफल, आम के पत्ते रख करके कलश का पूजन करें और भगवान की विधिवत भोग लगा करके आरती उतारे। इस दिन प्रभु की विशेष सेवा करनी चाहिए। भगवान को नए नए वस्त्र आभूषण इस दिन आपको धारण करवाना चाहिए।
क्योंकि एकादशी का जो व्रत होता है वह भगवान नारायण का सबसे परम प्रिय व्रत होता है और पुरुषोत्तम मास में आने वाली एकादशी का तो कहना ही क्या है। और जो भक्तजन माताएं बहने एकादशी का व्रत रख करके और इस एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं उनको एकादशी का पूरा पूरा पुण्य प्राप्त होता है। और यदि किसी कारणवश कोई मनुष्य या कोई माताएं बहने एकादशी व्रत धारण नहीं कर पाते हैं तो कहा गया है कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ती, तो वो कथा का श्रवण जरूर कर ले क्योंकि कथा सुनने से भी एकादशी व्रत का पुण्य उन्हें सहज में ही प्राप्त हो जाएगा। कथा हमेशा किसी ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्रह्म देवता को ब्राह्मण देवता को दक्षिणा जरूर प्रदान करें क्योंकि कहा गया है कि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। ब्राह्मण के मुख से कथा सुनने से स्वयं नारायण के मुखारविंद से कथा सुनने का पुण्य आपको प्राप्त होगा एवं शुभ मुहूर्त में अगले दिन ही एकादशी व्रत का पारणा करना चाहिए। यदि एकादशी तिथि समाप्त हो जाए तो भी आपको व्रत का पारणा अगले दिन सूर्योदय के पश्चात ही करना चाहिए। इस बार परमा एकादशी 12 अगस्त 2023 शनिवार को है और एकादशी व्रत का पारणा 13 अगस्त 2023 की सुबह 6:13 से लेकर के 8:13 तक रहेगा। इस समय आपको व्रत का पारणा करना होगा। अब हम आपको परमा एकादशी की पुरुषोत्तमा एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचेतान स्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिवानतोऽस्मि। वरहापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनक कपीशं वैजयंतीं च मालां रंध्रान वेणोर्धर सुधया पूरयन गोप वृंदैः वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्रावीशत गीति कीर्तिः। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदेन विनिवेशयंतीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरभोक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं। फुल्लेन्दीवर कांतिमिंदु वदनं बर्हावतं सप्रियं श्रीवत्सांकमुदार कौस्तुभधरं पीतांबरं सुंदरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंघावृतं गोविंदं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषणं भजे दिव्यांगभूषणं भजे। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वह
स्वीयानांतान निजाचार्यान प्रणमामि मुहुर्मुहु यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षेराब्धिसायिनं लक्ष्मीशस्त्रलीलाभिसेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चदारदये मम जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जग धूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेश इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री द्वारकाधीश भगवान की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय जगतगुरु श्री वल्लभाधीश की जय श्री गोसाई जी परम दयाल की जय श्री गुरुदेव की जय लाडले लाल की जय आज के आनंद की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज ने 18 पुराणों की रचना की है उनमें एक पुराण आता है पद्म पुराण। पद्म पुराण को भगवान श्री हरि विष्णु का हृदय स्थल माना गया है और इसी पद्म पुराण में परमा एकादशी व्रत की कथा आती है और यह कथा सबसे पहले श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य वन में सुनाई थी। सूत जी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य वन में संबोधित करते हुए कहते हैं कि ऋषियों एक समय की बात है राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को सबसे पहले प्रणाम करके उनसे पूछा कि हे प्रभो मुझे कृपा करके अधिक मास पुरुषोत्तम माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में आप बताने की कृपा करें। इस व्रत की कथा क्या है इसका महात्म क्या है तथा व्रत की विधि क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन तुम ध्यान पूर्वक सुनो अधिक मास पुरुषोत्तम मास मल मास लौंद मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे परमा एकादशी कमला एकादशी पुरुषोत्तमा एकादशी के नाम से जाना जाता है और उस एकादशी के महत्व के विषय में जो बताया गया है उसमें लिखा हुआ है कि कांपिल्य नगरी में सुमेधा नामक एक अत्यंत धर्मात्मा विद्वान ज्ञानवान ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी अत्यंत पवित्र था पतिव्रता स्त्री थी। दोनों पति पत्नी बड़े ही धर्मवान और अच्छी कार्यों को करने वाले थे। किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपत्ति अत्यंत दरिद्रता यानी गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। दोनों धन के कारण बहुत परेशान थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की निरंतर सेवा करती थी तथा अतिथि को अन्न देकर के स्वयं भूखी रह जाती और पति से कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी निर्धनता का जीवन व्यापन कर रहे थे यानी घोर गरीबी उनके घर में थी। एक दिन ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि हे प्रिय जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूं तो वह धन देने के लिए मुझे मना कर देते हैं और हमारी गृहस्थी धन के बिना नहीं चल पा रही है। इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो
तो मैं परदेश जाकर के कुछ काम करूं, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा कि हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूं। पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे, पत्नी को वह मानना चाहिए और करना भी चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता है। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि का दान करते हैं, उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा है, उसे टाला नहीं जा सकता है। यदि कोई मनुष्य अपने पिछले जन्म में धन का दान करेगा, तो निश्चय ही उसको अगले जन्म में धन की अपार प्राप्ति होगी, क्योंकि हमने पूर्व जन्म में कोई ऐसा कार्य किया है, तो प्रभु हमको कैसे सुख दे सकते हैं। प्रभु जिसने अन्न का दान किया है, उसको केवल अन्न ही देते हैं। जिसने धन का दान दिया है, उसको धन देते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपकी भार्या हूं, आपकी पत्नी हूं, और आपका विछोह, आपकी दूरी मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। पति के बिना स्त्री की माता पिता, भाई ससुर तथा संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं। इसलिए हे नाथ, हे स्वामी, कृपा करके आप कहीं पर नहीं जाइए। जो भाग्य में होगा वह यहीं पर प्राप्त हो जाएगा। अपनी पत्नी की सलाह को मान करके ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इसी प्रकार गरीबी में अपना जीवन यापन वह निरंतर करता रहा। एक समय की बात है कि वह अपने गृहस्थ कार्य में लगा हुआ था, और अचानक उसके यहां पर कौंडिन्य ऋषि का आगमन हुआ। कौंडिन्य ऋषि को देख करके ब्राह्मण सुमेधा और उनकी पत्नी ने खड़े होकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा कि आज हम धन्य हुए हैं, आप जैसे महर्षि के दर्शन का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, हमारा जीवन सफल हो गया है। उन्होंने कौंडिल्य ऋषि को एक सुव्यवस्थित सुंदर आसन पर बैठाया, उनका बहुत आतिथ्य किया, सत्कार किया, उनको भोजन करवाया, और भोजन करवाने के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा कि हे ऋषिवर, आप बड़े ज्ञानी हैं, आप पुण्यवान हैं, कृपा करके आप मुझे गरीबी का नाश करने वाला, यानी दरिद्रता को मिटाने वाला कोई सर्वोत्तम व्रत बताइए, कोई सर्वोत्तम विधि बताइए कि जिससे हमारी गरीबी नाश हो जाए। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप यहां आए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे घर और परिवार की दरिद्रता का नाश कर देंगे, जिससे हमारे घर में जरूर खुशहाली आएगी, क्योंकि आप जैसे संत के, ऋषि के चरण हमारे घर में पड़े हैं, तो निश्चय ही आज हम धन्य हो गए हैं। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए कोई श्रेष्ठ उत्तम उपाय बताइए। तो ऋषि कहते हैं, सबसे पहले ऋषि ने एक श्लोक सुनाया, और श्लोक में उन्होंने कहा कि परमानाम विख्याता विष्णु स्थिति रनुत्तमा मलिम लुचे तुया कृष्ण भुक्ति मुक्ति फल प्रदा। इस प्रकार ये श्लोक में यह बताया है, और अगला श्लोक जो आता है उसमें लिखा हुआ है, तस्या उपोषणम कृत्वा धन धान्यम युतो भवेत विधि ना जागरे है साकम गीत नृत्यादिकम चरेत। इस प्रकार ये दो श्लोक कौंडिल्य ऋषि ने उन ब्राह्मण दंपत्ति को सुनाया। इसका भावार्थ यह है कि हे ब्राह्मणी, मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख और दरिद्रता निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस परमा एकादशी का व्रत करता है, वह निश्चय ही धनवान हो जाता है। इस व्रत में नृत्य गायन आदि सहित रात्रि जागरण भी करना चाहिए। यह एकादशी धन वैभव को देने वाली एकादशी है, तथा पापों का नाश करके उत्तम गति को प्रदान करने वाली एकादशी है। देवताओं के धनाध्यक्ष धनापति कुबेर भगवान ने इस एकादशी का व्रत करके ही
भगवान को प्रसन्न करके, भोले बाबा को प्रसन्न करके, विष्णु भगवान को प्रसन्न करके धनाध्यक्ष का पद प्राप्त किया था। इसी कारण से उनको धन कुबेर की उपाधि मिली हुई है। इस व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र और राज्य की प्राप्ति हुई। उसके बाद कौंडिल्य ऋषि ने उन्हें परमा एकादशी व्रत का समस्त विधि विधान कह करके सुनाया। ऋषि ने कहा कि हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी ज्यादा उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर के विधान पूर्वक एकादशी व्रत आरंभ करो, और यदि आप पंचरात्रि व्रत करना चाहते हो तो इसी दिन से आपको पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी से लेकर के अधिक मास समापन की अमावस्या तक इन्हें 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं, वे अपने माता पिता और स्त्री सहित पूरे परिवार के साथ में इस संसार में बहुत सारा सुख भोगते हैं, बहुत सारा धन प्राप्त करते हैं, वैभव प्राप्त करते हैं, अपार संपत्ति और अटूट दौलत उनको प्राप्त हो जाती है, और पूरे परिवार के साथ में वो सभी स्वर्ग को प्रस्थान कर जाते हैं, वैकुंठ लोक को प्रस्थान कर जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या के समय यानी सूर्यास्त के बाद शाम को भोजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। एकादशी को छोड़कर के अन्य दिनों में आप शाम को ही भोजन करें, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न का सेवन करना वर्जित माना गया है। इस दिन केवल और केवल फलाहार ही करना चाहिए। जो मनुष्य इन 5 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेगा और ब्राह्मणों को भोजन कराएगा, वे संसार के समस्त देवी देवताओं को, ब्रह्मांड के समस्त अधिपतियों को भोजन कराने का पुण्य फल प्राप्त करेगा। जो मनुष्य इस व्रत में अश्वदान करते हैं, उन्हें तीनों लोकों को दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को इन 5 दिनों तक तिल का दान करते हैं, वे तिल की संख्या के बराबर उन वर्षों तक भगवान श्री विष्णु जी के लोक में यानी वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र का दान करते हैं, वह सूर्य लोक में जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, वे देवांगनाओं के साथ में स्वर्ग में निवास करते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ परमा एकादशी का व्रत करो और इसके साथ साथ पंचरात्र व्रत भी धारण कर लो। इससे तुम्हें अवश्य ही परम सिद्धि प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, और अंत में धर्म अर्थ काम और मोक्ष पद वैकुंठ लोक की तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। कौंडिल्य ऋषि के वचनानुसार ब्राह्मणी और उनके पति, दोनों पति पत्नी ने परमा एकादशी का व्रत विधि विधान से किया, और उसके साथ ही अधिक मास पुरुषोत्तम मास के पंचरात्र व्रत को भी उन्होंने धारण किया। यानी एकादशी से अमावस्या तक जो पंचरात्र होते हैं उनका भी उन्होंने धारण किया। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहां आते हुए देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर जो सब वस्तुओं से परिपूर्ण था, उन ब्राह्मण दंपति को पति पत्नी को रहने के लिए दान में दिया। उसके बाद राजकुमार ने आजीविका के लिए एक गांव भी उन्हें दान में दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री की पूरी जो गरीबी थी, दरिद्रता थी, कंगाली थी, वह समाप्त हो गई, और इस पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे दोनों पति पत्नी श्री हरि विष्णु के उत्तम लोक को, वैकुंठ लोक को प्राप्त कर गए। इस प्रकार परमा एकादशी की इस कथा को जो कोई भी मनुष्य सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन की समस्त मनोकामनाएं, इच्छाएं जरूर ही पूर्ण हो जाती है, और प्रचुर मात्रा में उसको धन की प्राप्ति होती है, स्थाई लक्ष्मी की उसे प्राप्ति होती है, 10 प्रकार की दिशाओं से अष्ट लक्ष्मी का आगमन उसके घर में होता है, तथा अखंड साम्राज्य, अपार दौलत उसे मिल जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ पर परमा एकादशी की कथा का समापन होता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।
अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम दायकम रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति 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 दायकम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री द्वारकाधीश भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्री बाल कृष्ण लाल की जय श्री श्याम सुंदरियम ने महारानी की जय जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय श्री गोसाई जी परम दयाल की जय श्री गुरुदेव की जय लाडले लाल की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो सनातन धर्म की जय हो गौ माता की जय हो नगर बस्ती की जय हो आज के आनंद की जय हो कल के आनंद की जय हो परसों के आनंद की जय हो बरसों बरसों के आनंद की जय हो ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर जय जय श्री राधे श्याम काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर आनंद की लहर कर। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहू में किसकी स्वामी शरण गहू में किसकी तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा अस करू मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूरण परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलहु दयामय किस विध मिलहु दयामय तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे
अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसीवाल दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमालाङ्कुलितालकायै कपालमालाङ्कृतशेखरायै दिव्यांबरायै च दिगंबरायै नमः शिवायै च नमः शिवायै। मंगलं भगवान विष्णुर्मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलायः तनोहरिः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। त्वमेव माताश्च पिता, त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा, त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरार्तिक्यं समर्पयामि, नमो नमः। अथ मंत्र पुष्पांजलिः। हरिः ॐ मा यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कूर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्त पर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुष अन्ता परार्धात् पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताय। एकराडिति तदपेश श्लोको विगितो मरुतः परिवेष्ठारो मरुतस्य वसङ्ग्रहे आविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासद इति। ओम विश्व तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात संबाहुभ्यां धमति संपतत्रैर्द्यावा भूमिं जनयन् देव एकः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम आदि शक्ति च विद्महे जगत माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ओम क्लिम कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ओम दाशरथाय विद्महे सीताबल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम अञ्जनीसुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमः।
पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। सेवंतिका वगुल चंपक पाटलाब्धे पुंडागजाति कर्वे रसाल पुष्पैः विल्व प्रवाल तुलसी दल बाल तेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। ओम महाप्रसाद जननी सर्वसौभाग्यवर्धिनी आदिव्याधिहरा नित्यं तुलसी त्वं नभोस्तुते। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देवः परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजाञ्चेव न जानामि। क्षम्यतां परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव त्राहि मां राधिकानाथ। सर्व पाप हरो हर। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजनों माताओं बहनों यदि आप परमा एकादशी के निमित्त या पुरुषोत्तम माह के निमित्त दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, अन्नदान देना चाहते हैं, वस्त्रदान देना चाहते हैं, गौ दान देना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी दान पुण्य यदि आप एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं तो आप अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें एवं इससे तो नगद राशि हमारे गूगल पे फोन पे पेटीएम नंबर या अकाउंट नंबर से भेज करके परमा एकादशी का अधिक मास का पुरुषोत्तम माह का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा तथा प्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम जरूर लिख दीजिएगा। साथ ही यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान ऑल पर क्लिक करके और इसी समय टच कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।